them. Papa? Aisha, tum? Papa, halwa. Meetha khane ka man kar raha tha. Mujhe bhi. Give me some. मुंबई जाना है कि नहीं? नहीं, जाना है। देखो, अगर मन नहीं करता है तो मत जाओ। वहाँ पर इतना अच्छा गाजर का हलवा नहीं मिलेगा। नहीं पापा, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? रात के 12 बजे पापा के साथ गाजर का हलवा। Hey, is everything all right with you? पापा, I think I'm in love. You think you are? पता नहीं, I don't know. I really don't know. You really don't know. 100% flower. अब ये बताओ कि ये है कौन? बोलो कौन है? ध्रुव है ना? That dude. फिर कौन है? स्कूल फ्रेंड? मुंबई में कोई मिला? तो फिर कौन है? नहीं, रणधीर गंभीर नहीं हो सकता. No, that's impossible. तो फिर कौन है? अर्जुन. अर्जुन? अपने घर का बच्चा? वाओ, वंडरफुल, क्या करेक्ट चॉइस है. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा ये बताओ कि ये अब हुआ कब? अभी अभी. अभी अभी? तुमने उसे बताया कि नहीं? नहीं. तो लगा फोन अभी? अभी लगा फोन. पर शेफाली. शेफाली? दैट भद्रगढ़ गर्ल. कमान, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अर्जुन को भी बचपन से जानता हूँ. अगर आयशा के लिए गंभीर नहीं है तो शेफाली भी अर्जुन के लिए नहीं हो सकती है. डायल करो. पर पापा, वो ध्रुव और आरती के एंगेजमेंट में है. तो तुम भी एंगेजमेंट में जाओ. तुम भी जाओ. देखो बेटा, अपने दिल की बात बताना बहुत जरूरी होता है. बताना पड़ता है बेटा. आई नो पापा, पर अगर उसने ना कह दिया तो? तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर, इंटेलिजेंट, दिल की अच्छी, सबका ख्याल रखने वाली और ऊपर से पैसे वाली, कोई बेवकूफी होगा जो ना बोलेगा? देखो पुत्र, कपूर ज्यादा सोचते नहीं है. We believe in action. Get up, my brave girl, and go and tell him you love him. Go. Okay. Yeah, get up. Okay. Go. By the way, on the way, humko jo mili hai, zindagi gaati hai, hasti hai, pagli si hai zara, roothe bhi, maane bhi, har lamha nahi hai, zindagi moodi hai, ziddi hai. नाम अब अगला गाना गाएंगे. स्टेज पर आएंगे रॉकी फाटिया. भागना नहीं है. सॉरी, थोड़ा अर्जेंट है. अर्जुन, मैं जानती कि तुम यहां हो और तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है. अपने लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए. तुम्हें याद है कसौली में जब मैंने क्रिकेट बॉल से होटल की खिड़की को तोड़ा था? तब तुमने कहा था कि गलती तुम्हारी है. जब मैंने पापा के गोल्फ कैप्स को भी तोड़ दिया था, तब भी तुमने कहा था कि गलती तुम्हारी है. जब मैं केमिस्ट्री में फेल हुई थी, तब तुमने कहा इट्स ऑल राइट, और तुमने मेरे एफ को ए बना दिया. और आलिया दीदी की शादी में जब मैंने सारे ड्रिंक्स में वोडका मिला दी थी, तब तुमने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया था. तुम मेरी हर गलती को छुपा लेते थे, और जब हम अकेले होते थे तो खूब डांटते थे.
और मैं तुमसे झगड़ती थी, पर अर्जुन हर गलती में, हर खेल में, हर मजाक में तुम मेरे साथ थे, अकेले मेरे साथ हो। अर्जुन तुमने मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया है, गलत और सही में फर्क दिखाया है, सहना सिखाया है, समझना सिखाया है, दोस्ती निभाना सिखाया है और चाहना भी। अर्जुन अगर मैं तुम्हें खो दूंगी ना तो मैं खुद को खो दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे अपने आप को खोने मत देना। ओए, इसे कहते हैं प्यार। अरे आपने तो इमोशनल कर दिया जी। वैसे अगर आपका प्यार दुनिया वालों को मालूम पड़ जाए ना तो सब कुछ परफेक्ट हो जाए, सब कुछ हिट हो जाए जी। वैसे आज की शाम आपने बहुत अच्छा तोहफा दिया जी। इट्स वेरी गुड। वैसे आप है कौन? आयशा, माई सेल्फ बंटी कुमार, और ये मेरी पत्नी गुरप्रीत। वैसे आप इनकी तरफ से हैं या हमारी तरफ से? ये किसकी शादी है? ओ बुला अर्जुन को। ओ अथे अर्जुन, तुमने जो कहा मैंने सब सुना। मैंने तुम्हें गलत हॉल में जाते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पीछे आई तुम्हें बताने के लिए। I'm so sorry, Shefali, for all that I've done. I hope कि तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे। आयशा, प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल जाए तो उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। तुम कल बॉम्बे जा रही हो, बताना चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया? अब तुम नीचे आओगी या फिर मैं ऊपर आऊं? बेचारे पड़ोसी। क्यों? क्यों? क्योंकि सीढ़ी बारिश में पड़ी पड़ी गल गई है, मेरे बोझ से टूट गई तो सर के बल गिरूंगा। क्यों अर्जुन? क्योंकि मुझे कुछ कहना है। क्या? आयशा, तुमने मुझे हंसना सिखाया, रोना भी, सहना सिखाया, समझना भी, दोस्ती निभाना सिखाया और चाहना भी। तुम्हें पता है नीचे नहीं आओगे ना? ठीक है, मैं ही ऊपर आता हूँ। पर शिफाली शिफाली गई अपने सौरभ के साथ। कैसे? तुम्हारे साथ रह रहकर थोड़ी बहुत मैच मेकिंग मैं भी सीख गया हूँ। पर तुम तो शिफाली को चाहते हो ना?
मैं अपने पूरे दिल और दिमाग से किसी और को चाहता हूं, वो तुम ही हो, सिर्फ तुम, और हमेशा से तुम ही थी। रियली मैं तुम्हें तब भी चाहता था जब नेहरू पार्क में तुमने अपने पापा के गोल्फ क्लब्स तोड़े थे, तब भी चाहता था जब अपनी उल्टी सीधी हरकतों से तुमने सबकी जिंदगी में गड़बड़ करी थी, तब भी जब आरती की जलन में तुम चिड़चिड़ी हो गई थी, और तब भी जब एक रिमोट कंट्रोल के लिए मेरे साथ सोफे पे लड़ाई की थी, तब भी जब उस रात पार्टी में हमने पूरी रात डांस किया था, और जब बॉम्बे में मैंने तुम्हें बारिश में कार में लिफ्ट दी थी, उस दिन, आज और हमेशा से मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। मैं तुम्हारी हर चीज चाहता हूं, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ये पिगी नाक तुम्हारे हाथ, गलती सब करते हैं, हम लड़ते हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि बाद में एक दूसरे को मना सके। तुम हो तो मैं हूं, अगर तुमको खो दिया तो मैं खुद को खो बैठूं।